श्रीमती दर्शना विक्रम जारदोष। अब तक 6 मिनिस्टर ऑफ स्टेट से ममलकती वजीर की हलफबरदारी हुई है। मैं दर्शना विक्रम जारदोष ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दर्शना विक्रम जारदोष ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तबके सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। तो दर्शना विक्रम जारदोष ने भी ममलकती वजीर का हलफ लिया है। दर्शना विक्रम जारदोष गुजरात के सूरत से बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट हैं। दर्शना विक्रम जारदोष गुजरात के सूरत से बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट हैं और इन्होंने मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी ममलकती वजीर का हलफ लिया है। इस तरह से अब तक कुल 7 लोगों ने MOS यानी ममलकती वजीर का हलफ लिया है, जबकि 15 मेंबर पार्लियामेंट ने अब तक कैबिनेट वजीर का श्रीमती हलफ लिया है। और एक के बाद एक अब जो ख्वातीन मेंबर्स हैं उन्हें हलफ दिलाई जा रही है। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं मीनाक्षी लेखी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी। मीनाक्षी लेखी तर्जुमान भी रह चुकी हैं पार्टी की और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर भी हैं। बीजेपी से दिल्ली से ये लोकसभा की मेंबर हैं यानी मेंबर पार्लियामेंट हैं और काफ़ी मुबासों में अक्सर शरीक होती हैं, चूँकि तर्जुमान भी हैं, पेशे से वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं। तो इन्हें जो है कैबिनेट रैंक का इन्हें जो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इन्होंने हलफ ले लिया है। और मीनाक्षी लेखी अब इस तरह से कैबिनेट में शामिल हो चुकी हैं। इन्होंने राज्य मंत्री यानी MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS की हलफ का हलफ लिया है और ममलकती वजीर का। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं संघ के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगी। मैं अन्नपूर्णा देवी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय संघ के राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगी।
अन्नपूर्णा देवी एक बड़ा चेहरा थी किसी जमाने में आरजेडी की, बिहार और झारखंड में आरजेडी का एक बड़ा चेहरा हुआ करती थी, लेकिन पिछले इंतखाब से कबल, पिछले लोकसभा इंतखाब से कबल इन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ा था और झारखंड की कोडरमा सीट से बीजेपी से इन्होंने जीत हासिल की थी और अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी मरकजी ममलकती वजीर का इन्होंने हलफ लिया है। किसी ज़माने में कहा जाता था कि लालू यादव से इनका बहुत मतलब उन ये उनसे बहुत जुड़ी हुई थी और पार्टी की एक बहुत जो है वो मेहनती थी आरजेडी के लिए, लेकिन लोकसभा इंतखाब से कबल इन्होंने पार्टी बदली थी और बीजेपी में शामिल हुई थी। आने कल अब्बैया नारायण स्वामी डू सोलमली अफर्म दैट आई विल बे ट्रू फेथ एंड अलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाई लॉ एस्टैब्लिश्ड दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया दैट आई विल फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूनियन एंड दैट आई विल डू राइट टू द ऑल मैनर्स ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और ill will. I Anikal Abbaya Narayan Swami do solemnly affirm that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister of state for the union except as by the required for the due discharge of my duties as such minister of state. तो ए नारायण स्वामी, इनका ताल्लुक कर्नाटक से है और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ये बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं, वहाँ से इन्होंने एमपी का इंतखाब जीता है और इन्होंने एमओएस यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी मरकजी ममलकती वजीर का हलफ दिया है। ए नारायण स्वामी कर्नाटक के चित्रदुर्ग से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट। श्री कौशल किशोर, मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं संघ के राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के राजमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे राजमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। News 18 Network.